फास्ट में आप लोगों को दिखाएंगे हमारा टास्क वाइज में कैसे हमारा एसपीसी कॉइन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके हमारा एसपीसी वॉलेट बनाएंगे कैसे, वो हम लाइव दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलो हम दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग हमारा टास्क वॉलेट में जाना पड़ेगा। तो टास्क वॉलेट जाने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाके आपको टास्क वॉलेट डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपके एक टास्क वॉलेट बनाना है। तो टास्क वॉलेट कैसे बनाना है वो भी हम लोग दिखा, बार बार दिखाया। इजी सिंपल सा सिस्टम है, वहां जाके खाली डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद एक एक ऑप्शन आएगा, उसको देख के करो, हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, तो मैं आज टास्क वॉलेट बनाने नहीं देखेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा चला जाएगा। इसलिए मेरा पुराना वाला जो टास्क वॉलेट है, जैसे मेरा मोबाइल में दो टास्क वॉलेट है, एक है और ये जो देख रहा है दो है। तो हम दोनों टास्क वॉलेट में हम इसको ओपन करेंगे। तो देखो मेरा टास्क वॉलेट ओपन हो गया। हाँ, तो जब टास्क वॉलेट ओपन होगा तो यहाँ लिखा है मेन वॉलेट एक है। तो मेरा अभी तक एक वॉलेट बनाया, ज्यादा वॉलेट नहीं बनाया। तो फास्ट इस वॉलेट में ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ऐसा ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन आने के बाद आपको ऐसा ही शो होता है, जैसे और कोई कॉइन लेके आना है यहाँ तो आपको एक एक करके लेके आना है। जैसे मैं BNB लेके आया और USDT B20 भी लेके आया, जो BNB स्मार्ट चेन में चलता है, और BTC पहले से था, BTC रखना दिखता है, लेकिन और जो था हम डिलीट कर दिया। तो इसको डिलीट कैसे करना है आप लोगों को मालूम है? आप मैनेज क्रिप्टो में जाके भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ ऊपर में भी एक ऑप्शन होता है, ये क्या है देखिए। हाँ, यहाँ जाके भी आप कर सकते हैं। जैसे ये जो ऑन है ना ब्लू कलर, इसको आप कर दो, ऑफ हो जाएगा। तो स्टार्ट कर दो, स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लेके आना होगा, और जो भी कॉइन आपको लेके आना है यहाँ जाके ये जो सर्च लिखा हुआ है ना, सर्च में वो कॉइन का नाम लिखने से ऊपर में आ जाएगा। उसके बाद उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके आपको जितना जो कॉइन आपको चाहिए वो कॉइन आप यहाँ टास्क वॉलेट में ऐड करके आप रख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ हमारा एसपीसी कॉइन वॉलेट बनाएंगे। तो जैसे सॉरी ऑन कर देते हैं BNB, सॉरी इथेरियम अप करके BTC BNB और BNB स्मार्ट चेन दोनों हम ऑन कर देते हैं। तो देखो मेरा टास्क वॉलेट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद हमको SPC कॉइन वॉलेट बनाना है। SPC वॉलेट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ऊपर में हम दिखाया था वहां ना जाके ये जो लिखा हुआ ना मैनेज क्रिप्टो, यहाँ भी क्लिक करने से वो भी एक ऑप्शन आएगा। तो ऐसा ऑप्शन आया। ऑप्शन आने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको ये जो लिखा हुआ ना, ये जो प्लस, ये जो देख पा रहे हैं, ये कॉर्नर में टॉप में जाके राइट साइड में ये प्लस में एक बार क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ऐसा एक ऑप्शन खोलेगा। ऑप्शन खोलने के बाद आपको क्या करना होगा, नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा। देखो यहाँ दोनों नेटवर्क है, जैसे ये भी एक नेटवर्क है और यहाँ भी एक नेटवर्क है, ठीक है ना। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको यहाँ ऊपर वाला नेटवर्क में क्लिक करना होगा। ये वाला नहीं है, ये वाला में आपको क्लिक करना होगा, ये वाला में। तो जब हम क्लिक किया तो देखो एक चार ऑप्शन आया, आप लोग देख पा रहे हैं, नहीं ये दूसरा कुछ आ गया। कोई बात नहीं, फिर से हम चालू करेंगे। ये जो नेटवर्क हम सिलेक्ट किया टोकन से हो गया। चलो यहाँ चारों बॉक्स है, नेम है, सिंबल है, नोड URL है और एक्सकॉल URL। ये चारों जो घर है, एक दो तीन चार, ये चारों घर के कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ आपको यहाँ लिखना होगा SPC माइननेट, ठीक है, SPC माइननेट। तो जब आप यहाँ करके ऐसा करेंगे ना, इसको इसको काट के यहाँ जाके सेकेंड में ऐसा करना होगा, नहीं तो गैप रहेगा तो नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा करो, उसके बाद यहाँ सिंपल में लिखो SPC, SPC लिख दिया। उसके बाद नोड URL यहाँ लिखना होगा। तो वहाँ कहाँ मिलता है, तो हम अभी हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप में मैं इसको
डाल के दिया तो वहां कॉपी करके हम यहाँ डाल देंगे। हाँ देखो एसपीसी माइनर एसपीसी, इसका जो यूआरएल ये हमको कॉपी करना है। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद वहां हम पेस्ट कर देंगे। जब ट्रांसफर में आते हैं दूसरा पेज से, तो अब वो पासवर्ड चाहता है, जो आपका फिंगरप्रिंट है जो भी है वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नंबर है तो डालो। उसके बाद और एक नीचे एक्सप्लोर यूआरएल में ये जो है ना sngpowerscan.com, ये इसको डाल देना है। ठीक है कॉपी कर लिया। आप चाहे ऊपर वाला जो है वो बैठा के यहाँ से जो डॉट है ना, डॉट कटो CPR काट के देने से वही ही है। तो मैं इसको बैठा दिया चारों नेम में, सिंबल में, यूआरएल नोड में और एक्सप्लोर यूआरएल में दे दिया। तो अभी हमको क्या करना होगा, अभी हमको इंपोर्ट करना होगा। तो देखो इंपोर्ट में हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने का थोड़ा बाद एक सेव ऑप्शन आ जाएगा, उसको सेव कर देने से हो जाता है। देखो ओके आ जाएगा, देखा चेन एडेड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन सेंड रिसीव एसबीसी माइनेट कॉइंस एट टोकन ब्राउजर कनेक्ट एंड डीएफ एंड मनी मोड। इसको ये जो ओके है, ओके ओके में ओके करना होगा। ओके कर दिया तो देखो मेरा एसबीसी कॉइन आ गया। तो इस तरीके से आप लोग जिसको जिसको अभी तक तो एसपीसी कॉइन वॉलेट नहीं बनाया, तो आप लोग टास्क वॉलेट में जाके ऐसा एसपीसी कॉइन वॉलेट बना लीजिए। तो मेरा वॉलेट बना दिया, उसके बाद उसका जो एसपीसी कॉइन का डिपॉजिट एड्रेस होता है, रिसीव एड्रेस बोलते हैं, डिपॉजिट एड्रेस भी बोल सकते हैं, तो वहां का एसपीसी एड्रेस लेने के लिए आपको ये जो लिखा हुआ है एसपीसी कॉइन, इसमें एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जब ऐसा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आने के बाद दोनों ऑप्शन आता है, एक है सेंड, जैसे सेंड क्या होता है, सेंड किसी को एसपीसी कॉइन भेजना है तो इस सेंड में जाना पड़ेगा, और रिसीव एड्रेस लेना है, डिपॉजिट एड्रेस लेना है तो रिसीव में क्लिक करना होगा। देखो जब हम ये क्लिक किया तो ऐसा ऑप्शन आ गया, तो दोनों आया, एक क्यूआर कोड आ गया, उसके साथ साथ एक कॉपी यूआरएल भी आ गया, जो ये दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कॉपी यूआरएल, और ये ऊपर वाला ये जो फोटो है उसको बोलते हैं स्कैनर। ठीक है तो जहां जहां भी स्कैनर यूज होता है, आप स्क्रीन शॉट लेके वहां स्कैनर में आपका एड्रेस ले सकते हैं, और जहां नहीं है जैसे हमारा spc.com और सॉरी सॉरी sngpower.com, sngpower1.com में जाके इसको एड्रेस आप छिपा सकते हैं, क्या पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करना है, वो जो नीचे लिखा हुआ आप लोग देखा है कॉपी, यहाँ जो बॉक्स छोटा छोटा यहाँ एक बार कॉपी कर दो। कॉपी करने में कॉपी हो गया, उसके बाद वो एड्रेस आप जाके वहां डाल दो। जैसे हम अभी देखेंगे sngpowers.com का कोई आईडी ओपन हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, तो हम देखते हैं एक आईडी ओपन करके हम देखेंगे, जो भी एक आईडी ले लेंगे, हमको मालूम नहीं कौन आईडी किया कि नहीं किया है, हमको लग रहा मेरा आईडी हो गया, तो इस आईडी हम ओपन किया। ओपन करने के बाद ये टॉप में जाना पड़ेगा, ये जो थ्री लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ एक बार क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ जो प्रोफाइल दिखाई देता है, प्रोफाइल में एक बार क्लिक करो। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, एडिट प्रोफाइल में जाओ। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ डाल दो, तो मैं पहले से डाल के रखा है इसलिए यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जहाँ एसपीसी एड्रेस लिखा है उसको ऐसे करके कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद आपको ये जो अपडेट है ना, अपडेट में क्लिक करो। लेकिन मैं USDT BEP20 एड्रेस में हम डाला इसलिए डाला क्योंकि ये पहले से डाल दिया एसपीसी एड्रेस में, ये चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको डाल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो जब आप यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड नहीं डालना है, ओनली फॉर एक बार अपडेट करने से आपको अपडेट हो जाएगा। देखो मेरा अपडेट सक्सेसफुल होगा, तो यही काम अभी काम करना होगा। तो जब तक तो ये अपडेट आया संडे रविवार तक तो ये आप लोग कर पाएंगे, तो अभी जो भी आदमी नहीं कर पाया क्या, वो लोग अभी ड्यू है, तो आप लोग वहां जाके यही काम कर दीजिए, आपका वो एसपीसी एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद जब सेटलमेंट तो हो गया, जब कॉइन डिलीवरी होगा, इसको इस जो एड्रेस डाला है एसपीसी एड्रेस, इस एड्रेस में आपका एसपीसी कॉइन मिल जाएगा। ठीक है
चलो दो काम दिखा दिया, अभी तीन नंबर काम करना है। क्या करना है? अभी हमारा जो संजय पवार जो डिसेंट्रलाइज साइट आया संजय पवार डॉट लाइव, उसको कैसे हम लोग वहाँ आईडी बनाएंगे, आईडी एक्टिवेशन करेंगे। तो वहाँ बनाना रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है, आईडी एकदम डायरेक्ट एक्टिवेशन करना है। तो एक्टिवेशन करने के लिए आपको एक टास्क वॉलेट जरूरी है, टास्क वॉलेट जब आपको रहेगा तो आप कर पाएंगे। तो टास्क वॉलेट में पहले जाना पड़ेगा, जाने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे टास्क वॉलेट आप ओपन करेंगे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन आने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं नीचे होम स्वैप डिस्कवर और ब्राउजर, ये जो नीचे वाला ब्राउजर है ना, ब्राउजर में आपको एक बार क्लिक करना होगा। तो ब्राउजर में मैं क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ क्या बोल रहा है, बोल रहा है सर्च और इंटर डी एफ यू आर एल। तो यहाँ हम लोगों को हमारा रेफर लिंक डालना होगा, रेफर लिंक जो आप ज्वाइन करना चाहेंगे, किसी के भी रेफरल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको रेफर आपके पास है वो रेफर को पहले कॉपी करके लेके आना है। जैसे मैं पहले से यहाँ एक रखा है, इसको कॉपी कर लो। तो कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ जाना पड़ेगा, जाने के बाद यहाँ पेस्ट करना होगा। पेस्ट कर दिया, देखो पेस्ट करने के बाद ये कीबोर्ड में एक ऑप्शन आया सर्च ऑप्शन, जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ क्लिक करने से सर्च हो जाता है। तो देखो सर्च ऑप्शन में हमने सर्च कर दिया, थोड़ा ओपन होने दीजिए, हमको लग रहा है कोई गलत हो गया, क्यों हो गया मालूम नहीं। तो फिर से मैं एक बार इसको पेस्ट करते हैं, हुआ कि नहीं हुआ देख लेते हैं। क्या मेरा ओपन क्यों नहीं हो रहा है मालूम नहीं, क्या रेफरल का कोई गलत किया। कोई बात नहीं, अब मैं फिर से एक बार कॉपी करके लेके आ रहा हूँ। वो नहीं, थोड़ा लेट करके आया, हो गया। जब ऐसा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ जो कनेक्ट लिखा हुआ कनेक्ट में क्लिक करना होगा। तो कनेक्ट में क्लिक करने के बाद आपको बीएनबी स्मार्ट चेन से हमारा ये जो भी काम होगा, ब्लॉकचेन जो है हमारा डिसेंट्रलाइज का, वो बीएनबी ब्लॉकचेन से ये काम होगा। तो इसलिए बीएनबी स्मार्ट चेन को कनेक्ट करना होगा। तो मैं कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको इसको लास्ट तक तो, लास्ट वाला में इसको लेके जाना है। जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे हैं अपग्रेड यूएसडी डॉलर पे, तो यहाँ जाके आपको पे करना होगा। जब आप पे करेंगे ऐसा एक ऑप्शन आएगा, वो बोलेगा अप्रूव करो। देखते हैं, अभी ओपन होने दीजिए, क्योंकि मेरा यहाँ बैलेंस नहीं है, हो सकता नहीं ओपन होगा, और ओपन होगा तो हम देखेंगे, नहीं तो ऐसा ही एक ऑप्शन आएगा अप्रूव करने से आपको हो जाएगा। हेलो हेलो, चलो ऐसा एक ऑप्शन आया। ऑप्शन आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ मेरा बीएनबी नहीं है इसलिए ऐसा हो गया। तो आपको यहाँ जाके अप्रूव मांगेगा, अप्रूव में जब क्लिक करेंगे आपको ऑटोमेटिकली आईडी एक्टिवेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो 30 डॉलर दिखाई दे रहा है, यहाँ 30 डॉलर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग आईडी एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो जब आईडी एक्टिवेशन हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपका रेफर लिंक यहाँ आ जाएगा। वो रेफर लिंक आप कॉपी करके जिसको जुड़ना चाहेंगे उसको डाल दीजिए, हो जाएगा। और नीचे स्पॉन्सर नेम, जिसको अंडर से आप ज्वाइन किया उसको स्पॉन्सर आईडी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ जो डैशबोर्ड में क्या क्या रखा है वो दिखा देते हैं। जैसे लिखा हुआ टोटल पैकेज परचेस, तो आप कितना पैकेज बाई किया यहाँ शो होगा। जैसे 30 लिया तो 30 यहाँ शो होगा,
उसके बाद 50 लिया तो 80 100 होगा, उसके बाद 100 लिया तो 180 दिखाई देगा। माई डायरेक्ट टीम, तो आप जो डायरेक्ट टीम बनाएंगे डायरेक्ट वो यहाँ शो होगा ओनली फॉर, लेकिन लेवल टीम शो नहीं होगा। उसके बाद माई डायरेक्ट इनकम, जो आप डायरेक्ट किसी को ज्वाइन करने से आपको मिलेगा जो $15, यहाँ शो होगा। उसके बाद डायरेक्ट लेवल अपग्रेड इनकम, जो आपका डायरेक्ट लेवल अपग्रेड करेंगे यहाँ शो होगा। डायरेक्ट बूस्टर इनकम, आप जो डायरेक्ट कोई बूस्टर लेगा, एक बूस्टर से आपको $5 मिलेगा $25 का, तो यही इस सिस्टम से यहाँ एक एक करके शो होगा। उसके बाद लिखा हुआ माई लेवल अपग्रेड इनकम, तो लेवल इनकम अपग्रेड जो किया इसका यहाँ मिलेगा। उसके बाद यहाँ सिल्वर पूल इनकम यहाँ शो होगा, आपका जो सिल्वर पूल $30 का यहाँ शो होगा। तो रूबी पूल रहेगा तो रूबी पूल जो इनकम आएगा यहाँ शो होगा। उसके बाद पर्ल पूल, उसके बाद क्राउन पूल, उसके बाद टॉपर पूल, उसके बाद डायमंड पूल, उसके बाद प्लैटिनम पूल। तो यहाँ एक सिस्टम है बूस्टर 1 अवेलेबल, USDT 0। ये क्या है? ये है डेली आप 10 बूस्टर कर सकते, $25 का बूस्टर यहाँ रहेगा। उसके बाद ये आईडी एक्टिव नहीं हुआ है इसलिए ऐसा शो हो रहा है। यहाँ रहेगा $50 का बूस्टर कर सकते हैं डेली 10, यहाँ रहेगा $100 का बूस्टर कर सकते हैं डेली 10, और यहाँ लास्ट में रहेगा $200 का बूस्टर आप 10 कर सकते हैं डेली। उसके बाद यहाँ 25 बूस्टर जो USDT है यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप जो अभी बोला था वही है, $25 का बूस्टर है, 50 का बूस्टर है, और 100 का और 200 का। आप चाहे डेली 10, 25 का 10, 50 का 10, 100 का 10 और 200 का 10 कर सकते हैं डेली। तो उसके बाद आपका जब आईडी एक्टिव है एक एक का यहाँ शो होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा इजी है। आप चाहे खाली टास्क वाले रहने से कॉपी करके पेस्ट करके ब्राउजर में जाके आपका आईडी एक्टिवेशन हो जाता है। कोई इतना आसान काम नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। चलो मेरा हम आईडी ओपन करके आप लोगों को बता देते हैं, हमारा जो आईडी है एक्टिव आईडी है वो हम आप लोगों को दिखा देंगे। ठीक है, ब्राउजर में जाना पड़ेगा, ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा sanjeepawars.live, sanjeepawars.live लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आपको सर्च करना होगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मालूम नहीं, लेकिन हो जाता है, लेकिन हुआ नहीं। हम हो सकता है कॉपी किया इसलिए नहीं हुआ। तो मैं यहाँ जाके एक बार रीलोड कर देते हैं ना, कोई भी ओपन नहीं हो रहा है। लिखते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे ही हो रहा है, 7 ऑप्शन में जब हम क्लिक करते कि वो ओपन नहीं हो रहा, मालूम नहीं मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम ना कंपनी तरफ से कुछ प्रॉब्लम काम चल रहा है। देखो बहुत देर बाद ओपन होने जा रहा है तो थोड़ा लेट हो रहा है। देखो ओपन हो गया, जैसे ओपन हुआ तो आ गया ऑटोमेटिकली सब कुछ। लेकिन जो मल्टीप्लाई आईडी रहता है उसके लिए आपको एक बार यहाँ ऊपर में टॉप में जाके 3 बिंदु जो दिखाई दे रहा है डॉट, यहाँ एक बार क्लिक करके रीलोड कर सकते हैं। तो कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आता नहीं। जब नहीं आता है तो एक बार रीलोड कर देना। ओके, तो जब रीलोड करेंगे आपका ये रेफर लिंक आ गया, आप लोग देख पा रहे हैं, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके किसको भेजना है भेज दीजिए, आप जिसको जुड़ना चाहेंगे। तो उसके बाद नीचे है आपका स्पॉन्सर आईडी है, स्पॉन्सर आईडी दिखाएंगे। तो टोटल पैकेज जो पैचेस है परचेस किया है मैं अभी तो $30 का आईडी परचेस किया, और यहाँ माई डायरेक्ट टीम है, जो डायरेक्ट टीम लगाया वो दिखाई दे रहा है। देखो मेरा डायरेक्ट टीम है 13, तो मेरा डायरेक्ट इनकम जो है $195 हुआ, 13 आदमी से $15 करके $195 मिला है। डायरेक्ट लेबर आदमी इनकम अभी तक तो आया नहीं। डायरेक्ट बूस्टर इनकम अभी तक तो $45 मेरे को मिला, जो मेरा डायरेक्ट बूस्टिंग किया उसमें एक एक में बूस्टिंग में
$25 का बूस्टिंग है, $5 बूस्टिंग मिला। उसके बाद माई लेवल अपग्रेड इनकम जो होता है, जो लेवल इनकम बोलते हैं ना, लेवल इनकम यहाँ आ गया, $32.4 मेरा आया। और मेरा जो सिल्वर पूल है, सिल्वर पूल दो आ गया, दो और चार तो $6 अभी तो गया है। माई रूबी पूल इनकम अभी तो आया नहीं, क्योंकि रूबी पूल मैं किया नहीं, और पाल भी नहीं किया, पोल नहीं किया, और टोपाज भी नहीं किया, क्राउन भी नहीं किया, डायमंड भी नहीं किया, प्लैटिनम नहीं किया, तो इसलिए कुछ भी नहीं आया। और बूस्टर अवेलेबल USDT यहाँ दिखाई दे रहे 10, तो 10 डेली कर सकते हैं, तो इसलिए 10 दिखाई दे रहा है। और $50 का यहाँ भी 10 दिखाई दे रहा है, 10 कर सकते हैं। और यहाँ 100 का भी 10 और 200 का 10, तो आप चाहे तो डेली जो आप पहले बताया था आप लोगों को, वहाँ वही है, डेली 10 10 कर सकते हैं, 25 का, 50 का, 100 का और 200 का। तो मैं जो बूस्टर अभी तक तो लगा है इस आईडी में, तो मेरा $25 का बूस्टर, तीनों बूस्टर है, $75, 25 3 75 अभी तक तो आया नहीं, और 150 नहीं डाला है, 100 में हम $300 का बूस्टर डाला है, ये भी एक भी आया नहीं अभी तक। तो ऐसा ही सब कुछ आप लोग यहाँ जाके देख पाएंगे। टोटल जो इनकम किया आप लोग देख पा रहे हैं, $233 अभी तक मेरा इनकम हुआ है। और नेक्स्ट जो होता है $50 का, जो वहाँ किया नहीं मैं अभी, इसलिए यहाँ लिखाई दे रहा है, 50 का आप करेंगे तो PMA कनेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत अच्छा सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज, कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, विड्रॉल क्या जो भी है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है 100% वो भी हम लोगों का तुरंत मिल जाता है। यहाँ कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली आप काम करते रहो, इनकम लेते रहो, और उधर लेके पैसा आपका बटुआ क्या अकाउंट में ले लीजिए। चलो दिखा दिया, ये जब भी इनकम होगा यहाँ शो हो जाएगा। जैसे मेरा अभी इनकम मिला, 3.60 मेरा इनकम आया USDT, तो BEP20 USDT में यहाँ डॉलर आ जाता है ऑटोमेटिक। किसी को विड्रॉल नहीं लेना है, और कोई विड्रॉल नहीं किसी को दिखाना भी है, ठीक है। चलो हम अभी SPC कॉइन के बारे में भी थोड़ा दिखा देते हैं, ओपन किया तो जो लोग हम लोग जो स्टेकिंग किया SPC कॉइन में, SPC कॉइन में स्टेकिंग किया, तो यहाँ लिखते हैं स्टेक SPC.com। यहाँ लिख दो स्टेक SPC.com, उसके बाद उसको सर्च कर लो, सर्च करने के बाद आपका ओपन होगा। हमको लग रहा है ट्रांसफर में प्रॉब्लम है क्या, कि सर्च क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। हम लोग जो भी स्टेकिंग किया ट्रस्ट वॉलेट में SPC कॉइन, वो खोलने के लिए आपको वहाँ ब्राउजर में जाके लिखना होगा www.stakesspc.com। लिखने के बाद आपका ऐसा पेज ओपन होगा, ठीक है। चलो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो रॉन्ग दिखाई देने से क्या करना होगा आपको, आपको यहाँ जाके रीलोड में रीलोड एक बार करना होगा। रीलोड करने के बाद आपका ये जो वॉलेट है उसका स्टेकिंग आप देख पाएंगे। तो रीलोड कर दिया, थोड़ा देर बाद हमको यहाँ शो होगा, अभी 0-0 दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, मल्टीप्लाई ट्रांस वॉलेट रहने से ऐसा ही होता है, और एक वॉलेट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है रीलोड करने के बाद। कभी
कभी कभी होता ही नहीं, होता नहीं तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ जाके ईवीएम चेंज करने से भी हो जाता है, एसपीसी माइनेट ऐड करना होगा, उसके बाद रीलोड करना होगा। देखते हैं आया कि नहीं आया, नहीं आएगा तो हम टास्क वाले में जाके वो भी कनेक्ट करना होगा, जो 3 लाइन दिखाई देता है व्हाइट कलर का, वहां जाके भी कर सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद हम वो करेंगे, ठीक है। हमको लग रहा है नहीं होगा, तो हमको यहाँ जो देख पा रहे हैं ना 3 लाइन व्हाइट का, यहाँ क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कनेक्ट वाल में जाओ, कनेक्ट वाल में जाने के बाद यहाँ जो टास्क वाल में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर बाद हो जाता है, नहीं तो और एक बार रीलोड कर देते हैं। कर दिया, देखो अभी 100% आ जाएगा, 100 होगा, देखो आ गया। तो देखो टोटल इन्वेस्ट जो किया है 100 हो रहा है, टोटल अर्निंग कितना हुआ वो भी दिखाई दे रहा है, और विड्रॉल हम कितना लिया वो भी 100 हो रहा है, ठीक है। तो टोटल रेफरल इस आईडी में 2 किया, तो मेरा अभी तक विड्रॉल अमाउंट $30 है, 30 कॉइन है। टोटल अर्निंग कितना किया, 461 अर्निंग कर लिया, क्योंकि दोनों आईडी में जब हम रेफरल था ना उसका जो 15% मिला था, इसलिए मेरा 461 कॉइन मेरे को मिल गया टोटल रेफरल में। ओके चलो इसको हम विड्रॉल ले लेंगे। तो विड्रॉल कितना ले सकते हैं, 30.50। विड्रॉल लेने के लिए आपको यहाँ विड्रॉल अर्निंग में जाना पड़ेगा, जाने के बाद यहाँ लिखना पड़ेगा जितना है उतना लिख देंगे, 30.50। हम एक साथ ले लेंगे 30.50, तो 30 साढ़े 30 कॉइन हम विड्रॉल लेंगे। और एक बात है, विड्रॉल लेने के लिए आपको वॉलेट में मिनिमम हाफ एसपीसी कॉइन क्या उससे थोड़ा कम होने से भी चला जाता है, लेकिन आपको बैलेंस रखना जरूरी है। तो अभी हम विड्रॉल अमाउंट में क्लिक करेंगे, काइंडली कनेक्ट योर वॉलेट बोल रहा है, वॉलेट कनेक्ट करने से बोल रहा है, तो वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं। हम कनेक्ट कर लिया, अभी विड्रॉल में विड्रॉल अमाउंट करेंगे, और यहाँ जब कनेक्ट करेंगे जब विड्रॉल लेंगे 5% माइनस हो जाएगा, और एसपीसी कॉइन का जो गैस फीस है वो भी कटेगा। देखो यहाँ तो बीएनबी नहीं काट रहा है, एसपीसी बैलेंस काट रहा है, तो आप लोग एसपीसी बैलेंस क्यों काट रहा है इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि एसपीसी कॉइन का जो गैस भी काट रहा है इसलिए काट रहा है क्योंकि हमारा ये खुद का ब्लॉकचेन है, एसपीसी कॉइन का ब्लॉकचेन है। तो ये और किसी का होता था उसका गैस फीस काटता, जैसे डिसेंट्रलाइज में एसपीसी ब्लॉकचेन से नहीं हो रहा है वो जो डिसेंट्रलाइज, तो यहाँ खुद हमारा एसपीसी कॉइन का ब्लॉकचेन है इसलिए ब्लॉकचेन का गैस भी काट रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा खुद का ब्लॉकचेन है, इसलिए हम लोग क्या बोले ना, आशा कर रहा हूँ कि हमारा कॉइन कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, जैसे $50 $100 तो जाने के लिए उम्मीद है 100%। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं ना, हमारा जो प्रोजेक्ट है कोई फ्रॉड प्रोजेक्ट नहीं है, ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट है। क्योंकि जैसे देखो पालवाइन बोलो टॉलविन बोलो तो बीएनबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बना हुआ कोई भी एक टोकन, लेकिन ये हमारा कॉइन है ओरिजिनल और खुद का ब्लॉकचेन का कॉइन है। तो इसलिए हम लोग यहाँ आशावादी, हमारा ये कॉइन कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगा। तो $100 तो मिनिमम जा सकते हैं एक साल में, तो $100 जाएगा तो अभी बहुत बढ़िया होगा, नो प्रॉब्लम। तो चलो हमारा अप्रूव कर देते हैं, हमारा जो विड्रॉल लगाया अभी, तो थोड़ा देर बाद मेरा विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा, ये जो 30 कॉइन में विड्रॉल डाला वो विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा। देखो मेरा उज्जवल यहाँ 0 हो गया, तो अभी हम चलते हैं हमारा वॉलेट में दिखा देते हैं आप लोगों को, जो मेरा जो उज्जवल लिया अभी आ गया। अभी तो यहाँ शो नहीं हो रहा, थोड़ा देर बाद शो हो जाएगा। हाँ देखो मैं 30.50 विड्रॉल लिया था, मेरा को मिला कितना 29.60, क्योंकि 5% कट लिया, तो इसलिए थोड़ा कम हो गया।
तो इस तरीके से आप लोग आपका जो टास्क वाले में जो कॉइन आ रहा है डेली रिवॉर्ड में, वो कॉइन आप विदड्रॉ लेके संजी पर एक्सचेंज में डाल के उसको फिर से स्टेकिंग करके वहां से जो डेली आएगा उसको आप विदड्रॉ ले पाएंगे। ठीक है, तो मेरा आ गया, देख पाया मेरा कॉइन आ गया वॉलेट में। ठीक है, चलो मैं तो दिखा दिया पूरा एसपीसी कॉइन का जो भी है टास्क वॉलेट का, वो दिखा दिया। अभी हम चलेंगे हमारा संजी पर एक्सचेंज के। चलो सेंजी पर एक्सचेंज जाने के लिए आपको एक लिंक होना जरूरी है। तो कैसे हम लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए आपको एक लिंक होना जरूरी है। तो लिंक मेरा पास पहले से था, उसको मैं मेरा मोबाइल में फर्स्ट पेज में हम रख दिया। तो ये देख पा रहा है, ये संजी पर एक्सचेंज का वेबसाइट का लॉगिन लिंक। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐसा एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ जाके आप लोग लॉगिन कर सकते हैं आपका संजी पर एक्सचेंज का आईडी। तो न्यू आदमी के लिए बोलते हैं हम लॉगिन करेंगे कहाँ से करेंगे, तो इसका ये जो लिंक है, ये लिंक आप यहाँ से क्लिक करने से भी ऐसा ऑप्शन आ जाता है। अभी इसको स्टॉप है तो मेरा यहाँ डाल देते हैं, ये संजी पावर एक्सचेंज का लॉगिन लिंक। यही लिंक से आप जब क्लिक करेंगे लॉगिन ऑप्शन हो जाएगा। तो जब हम यहाँ क्लिक किया, देखो ब्राउजर में बोल रहे ओपन करने के लिए, तो मैं क्रोम ब्राउजर से जा रहा हूँ, देखो वैसे ही आ गया। तो ये न्यू आदमी के लिए ये लिंक सीनियर को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आप लोग ये लिंक प्रोवाइड कर दीजिए लॉगिन करने के लिए, नहीं तो आप खुद आपका मोबाइल भी रख सकते हैं ये लॉगिन लिंक आपका मोबाइल में रख सकते हैं। कैसे रखना है, रखने के लिए आपको टॉप में जाना पड़ेगा। टॉप में जाने के बाद राइट साइड में जो 3 बिंदु दिखाई दे रहा है, तीनों डॉट, यहाँ एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आने के बाद यहाँ लिखा है, शो हो रहा है ऐड टू होम स्क्रीन, यहाँ दिख पा रहा है ऐड टू होम स्क्रीन में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड कर दो। ऐड करने के बाद ये जो एप्लीकेशन ऐसा ही आ जाएगा, ये जो एप्लीकेशन देख पा रहा है यहाँ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लॉगिन करते हैं हमारा आईडी। जब आप ईमेल में आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है, पहले से हम सेव करके रखा मेरा ईमेल में, तो मेरा आ गया। तो देखो मैं हमारा जो आईडी है उसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको यहाँ ईमेल डाल दिया और नीचे पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद आई एम ए रोबोट में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन में क्लिक करना होगा। जब लॉगिन में क्लिक करेंगे हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो पेज ओपन हो गया, देख पा रहे जब पेज ओपन होता है पहले पेज में हमारा बिटकॉइन का यहाँ शो हो रहा है। ट्रेडिंग कोई करना चाहते तो यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो काम है एसपीसी कॉइन के बारे में, क्योंकि जितना भी आदमी है सेंजी पर परिवार फैमिली में सबको एक एक्सचेंज डाउनलोड करना होगा, वो भी रेफर से डाउनलोड करना होगा। क्योंकि यहाँ से हम लोग जब तक स्टेकिंग नहीं करेंगे तब तक हमारा जो विड्रॉल ऑप्शन जब स्टार्ट होगा कब होगा मालूम नहीं, बोल रहा है 11 तारीख, हो सकता है सोमवार, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन होगा जरूर 100%। तो ओपन होने के बाद आपको ऊपर में टॉप में जाके ये तीनों लाइन जो दिखाई दे रहा है, ये जो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, वहां क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक एक ऑप्शन आ जाता है। जो फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो है हम लोगों को जो चाहिए अभी वही हम दिखाएंगे, लेकिन ऑल सब कुछ नहीं दिखाएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं होगा। तो हमको चाहिए वॉलेट, तो वॉलेट वॉलेट जाएंगे हम लोग। वॉलेट में जाके हमको क्या करना होगा, जाने के बाद आपको यहाँ क्लिक करो। क्लिक करने के बाद वॉलेट ओपन होगा। तो देखो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखो फर्स्ट हम लोगों को क्या देखेंगे, एसेट बैलेंस। तो मेरा जो 671.97 डॉलर दिखाई दे रहा है यूएसडीटी, ये है मेरा एसपीसी कॉइन। अभी तक तो यहाँ अर्निंग हुआ मेरा, अभी तक तो अर्निंग हुआ 671.97 डॉलर अर्निंग हुआ। ठीक है, तो जब आप एसपीसी कॉइन विड्रॉल वहां ले लेते हैं तो मेन वॉलेट में यहाँ आ जाता है, तो यहाँ शो हो रहा है। तो चलो हमारा एसपीसी कॉइन का जो वॉलेट है हम देखेंगे। तो एकदम लास्ट में जाना पड़ेगा, लास्ट ये है यूएसडीटी था, उसके ऊपर में ये है एसपीसी वॉलेट। तो आप लोग देख पा जाए ये है एसपीसी वॉलेट, यहाँ से यहाँ। तो ये इसमें आपको डिपॉजिट एड्रेस लेना है। डिपॉजिट एड्रेस कहाँ मिलता है, सॉरी ये जो डिपॉजिट एड्रेस है यहाँ एक बार क्लिक करो, डिपॉजिट एड्रेस हो जाएगा। तो मैं डिपॉजिट एड्रेस क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद हमारा एसपीसी कॉइन का एड्रेस आ गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरा आ गया।
तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमको कॉपी करना है, क्योंकि इस कॉपी एड्रेस में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जब हम क्वाइन भेजेंगे तब यहाँ आके ऑटोमेटिक यहाँ चेकिंग हो जाएगा। तो इसको पहले कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको टास्क वाले में जाना पड़ेगा। टास्क वाले में जाने के बाद आप जहाँ कॉइन है आपका, जैसे मेरा कॉइन एसपीसी कॉइन यहाँ है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सेंड ऑप्शन में जाना पड़ेगा। सेंड ऑप्शन में गया, सेंड ऑप्शन जाने के बाद वो जो हम कॉपी करके लेके आए इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको वहाँ कितना कॉइन स्टेकिंग करना है तो यहाँ आप लिख सकते हैं। जैसे पूरा लेके जाएंगे तो यहाँ मैक्स कर देंगे, और नहीं तो मैं एक दो कॉइन लेके जाएंगे तो एक दो लिखेंगे, ठीक है। तो एक कॉइन भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, मिनिमम। तो उसके बाद इसको नेक्स्ट ऑप्शन में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में डालने के बाद देखो, मैं नेक्स्ट ऑप्शन डाल दिया। डालने के बाद बोल रहा है कन्फर्म करो। कन्फर्म करने के बाद आपका वो जो वन कॉइन हम भेज रहा हूँ वो चला जाएगा, लेकिन मैं नहीं भेजूंगी तो इसलिए हम दिखा दिया, नहीं कंफर्म नहीं करेंगे हम। तो ऐसा ही आप लोग एसपीसी कॉइन कॉपी करके, एड्रेस एक्सचेंज का आपका एसपीसी कॉइन का एड्रेस कॉपी करके आप वहां जाके आप ये करो, क्या करें, स्टेकिंग करो। और कभी कभी ऑटोमेटिक चेकिंग हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। नहीं होता तो कैसे करना है वो भी हम दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लोग वॉलेट में जाके और भी कुछ दिखाना ट्राई करेंगे हम लोग। जैसे एसपीसी कॉइन में हम जाके वहां ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए यहाँ ट्रेड में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको बाई करना है, सेल करना है, वो करना है। तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है 12.7 डॉलर है, लेकिन ये सही नहीं है। एक मैनुअली करके रखा है यहाँ 12.70, लेकिन जब लाइव होगा तब पता चलेगा हमारा एसपीसी कॉइन का रेट कितना चल रहा है। लेकिन वो जो स्वाब बनाया वो स्वाब में लेकिन 28 डॉलर दिखाई दे रहा है, वो भी हम दिखाएंगे आप लोगों को, कोई बात नहीं। तो इसमें जाके हम लोगों को बाई करना है, ठीक है। तो बाई करना है तो जैसे मान के चलो हमको दो कॉइन बाई करना है। दो कॉइन जब आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपका लिखा हुआ ना जो 25.40 आपको यूएसडीटी रहना जरूरी है, तो आप बाई ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे यूएसडीटी जब रहेगा तब तो बाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा ही सेल में भी ऐसे ही है। जब सेल ऑप्शन आएगा, जैसे मान के चलो आपको 10 कॉइन सेल करना है, तो 10 कॉइन यहाँ लिखने के बाद आपको कितना डॉलर मिलेगा, हमको 10 कॉइन में 127 डॉलर मिलेगा। उसके बाद सेल ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे सेल ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन अभी तो ओपनिंग नहीं हुआ इसलिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देखो मैं यहाँ 16 तारीख में, 11 नवम्बर 16 तारीख में मैं 12.9 कॉइन हम सेल में रखा, अभी तक तो देखो पेंडिंग में है, क्योंकि कोई भी लिक्विडिटी जीरो लिक्विडिटी है, इसलिए कोई सेलर भी नहीं है और डिपोजिटर भी नहीं है, बाई सेल कोई भी नहीं है, क्योंकि ये एक्सचेंज अभी तक तो लाइव नहीं हुआ मार्केट में। ये एक्सचेंज खाली वेबसाइट हम लोगों को दे दिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वही चल रहा है, लेकिन यहाँ अभी तक तो लाइव नहीं है। जब लाइव होगा तब बाई सेल स्टार्ट होगा, यहाँ से बाई सेल नहीं होगा। लेकिन हाँ सेल हो रहा है, लेकिन आपके पास यूएसडीटी रहेगा तो बाई हो जाता है, लेकिन सेल का ऑप्शन कुछ भी नहीं है। चलो ये दिखा दिया, उसके बाद हम ऊपर में 3 लाइन में जाएंगे। फिर से जाने के बाद वहां जाके हमको हिस्ट्री में जाके आप भी देख सकते हैं, आपका जो हिस्ट्री होता है ना वहां शो होता है ऑल हिस्ट्री। तो मेरा जो भी हिस्ट्री है यहाँ शो हुआ। डिपोजिट हिस्ट्री में जब आप क्लिक करेंगे डिपोजिट हिस्ट्री आ जाएगा, तो यहाँ ऑल एवरीथिंग शो होता है, डिपोजिट हिस्ट्री जाके आप चेक कर सकते हैं। चलो अभी हम दिखाएंगे ये जो लिखा हुआ स्टेकिंग, स्टेकिंग में जाके स्टेकिंग कैसे करना वो दिखाएंगे। तो स्टेकिंग में जब हम क्लिक किया, स्टेकिंग ऑप्शन में पेज ओपन हुआ, तो ऐसा एक पेज ओपन हो जाता है और यहाँ दिखाई देता है। तो ये क्या है मालूम नहीं, 30 डेज प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 8,325 एसपीसी कॉइन। ये क्या है सबके दिखाई दे रहा है, सबको एक ही दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है मालूम नहीं। लेकिन आप यहाँ जाके ऐसा जो ओपन होगा ना, आप जो स्टेकिंग किया यहाँ शो हो जाएगा नीचे, और जिसका शो नहीं हुआ आपको क्या करना होगा, ये सब्सक्राइब में जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब में जाने के बाद आप यहाँ जाके स्टेकिंग करना। जैसे मेरा अभी
52 पॉइंट पड़ा हुआ है जो हम विड्रॉल लेने ले सकते हैं। तो 52 हमको स्टेकिंग करना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये 400 डेज में एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सिलेक्ट रिवार्ड में डेली क्या मंथली लेना चाहेंगे यहाँ सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ जैसे मान के चलो मैक्स करना है, मैक्स करो तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जाके यह वेट करो, उसके बाद कॉन्फर्म करने से आपका स्टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी स्टेकिंग में हम लोगों को रिवार्ड अच्छा दे रहा है। 1 से 100 पॉइंट स्टेकिंग करेंगे तो 9% महीना मिलेगा, डेली 0.3% 400 दिन में मिलेगा। 101 से 200 स्टेकिंग करेंगे तो 0.35% मिलेगा मंथली, 10.5%। और 101 से 400 कॉइन आप स्टेकिंग करेंगे तो 0.4%, वो भी 12% महीना में 400 दिन मिलेगा। वैसा ही 400 एक दिन से 800 दिन में 0.4% डेली मिलेगा, मंथली में 13.5% मिलेगा, तो वो भी 400 दिन। ऐसा ही 800 से 1600 एक साथ करेगा तो 0.5% डेली, 15%, तो वो भी 400 दिन मिलेगा। ऐसा ही 1600 से 5000 आप करेंगे तो 0.5% से 16.5% आपको मिलेगा महीना में, और वो भी 400 दिन। लास्ट में 5000+ को स्टेकिंग करेंगे तो उसको 0.6% डेली, 0.6% और मंथली 18%, वो भी 400 दिन मिलेगा। यहाँ एक साथ रखा है देखने के लिए को कितना होल्डिंग कितना स्टेकिंग करने से क्या मिलेगा। तो यहाँ भी सोलो लेवल तक तो हम लोगों का इनकम मिलता है, खासा इनकम यहाँ मिलेगा। जो ज्यादा टीम बनाएगा और ज्यादा स्टेकिंग करेंगे उसको ज्यादा इनकम आएगा। जैसे देखो मेरा कितना आया, 600 कितना डॉलर मेरे को ये जो इनकम है ना मेरा रेफरल वो सोलो लेवल का आया। लेकिन बहुत भी मिस्टेक हुआ कंपनी तरफ से, एक्सचेंज में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो कोई कोई स्टेकिंग किया तो मेरे को रेफर नहीं मिला, वो मिलता तो और भी ज्यादा होता। तो अभी आप लोग स्टेकिंग करना है तो 1-2 पॉइंट में करिए, ज्यादा मत करिए, 20-25-50-100-200 मत करिए, क्योंकि रेफरल इनकम मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, चलो अभी और कुछ दिखाते हैं। ये तीनों लाइन में जाके आपको जब क्लिक करेंगे ना आपका नाम आ जाएगा, नाम के ऊपर में एक बार क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये चारों जिन दिखाई देता है, माई अकाउंट, अर्निंग, रेफरल इंफॉर्मेशन, लॉकआउट। तो माई अकाउंट में हम जाएंगे, माई अकाउंट में जब जाते हैं आपका यहाँ जाके आपका 2FA सिक्योरिटी KYC वेरिफिकेशन, KYC वेरिफिकेशन मेरा भी नहीं हुआ है, जब ऑप्शन देगा हो जाएगा, रेफरल इंफॉर्मेशन, रिवार्ड हिस्ट्री, चेंज पासवर्ड, लॉगआउट। तो 2FA सिक्योरिटी नहीं दिखाएंगे, KYC नहीं दिखाएंगे, रेफरल इंफॉर्मेशन हम दिखाएंगे। तो रेफरल इंफॉर्मेशन जब आप क्लिक करेंगे ऐसा पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आपको जो रेफर लिंक होता है ना, जैसे आप किसी को जोड़ना चाहेंगे तो आपका रेफर लिंक कहाँ दिखाई देता, यही है आपका रेफर लिंक। रेफर लिंक कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो छोटा छोटा बॉक्स के ऊपर दोनों बॉक्स है ना छोटा छोटा, इसमें एक बार क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको रेफर आईडी कॉपी हो जाता है, तो मेरा रेफर आईडी कॉपी हो गया। उसके बाद इस कॉपी किसी को पेस्ट कर दो, जिसको जुड़ना है आपका रेफरल से जुड़ जाएगा। तो ये है, अभी हम दिखाएंगे हमारा और भी है जो है चेंज पासवर्ड। ये सबसे सीखना जरूरी है सबको, क्योंकि बहुत आदमी आपका आईडी बना रहा है जो संजीवर एक्सचेंज का, तो बनाने के बाद आपको पासवर्ड चेंज करना जरूरी है। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, जाने के बाद आपको करंट पासवर्ड डालना होगा जो पुराना पासवर्ड है, उसके बाद आप एक न्यू पासवर्ड बना लो, उसके बाद वही न्यू पासवर्ड ये नीचे कन्फर्म पासवर्ड डाल दो, उसके बाद सबमिट करने से आपको पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है कैसे बनाना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए और पहली भी वो भी होता है कैपिटल लेटर, उसके बाद स्मॉल लेटर, उसके बाद कोई भी जो कैरेक्टर होता है ना जो उसको क्या बोलते हैं एट द रेट है जो भी है, तो स्पेशल कैरेक्टर इसको बोलते हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी डालना चाहिए डाल दो, वो ऐसा ही पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, तो मिनिमम 100 सॉरी 8 कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, चलो ये तो दिखा दिया। KYC वेरिफिकेशन में बाद में दिखाएंगे, रिवार्ड हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है हमको लग रहा है अभी तक, तो सब कुछ हम दिखा दिया। अभी हम एक बाकी है उसमें हमको दिखाना है आप लोगों को, क्या है वो है अर्निंग। तो अर्निंग में जब आप जाएंगे आपका अर्निंग पेज ओपन होगा, तो मेरा यहाँ दिखाई दे रहा है टोटल जो इनकम हम किया SPC कॉइन 53 कॉइन, और स्टेकिंग इनकम मेरा डेली जो आया अभी तो 0.4 से अभी तक 0.5 पॉइंट भी नहीं आया है, क्योंकि मैं ज्यादा छोटा स्टेकिंग अभी तो किया, क्योंकि
मिस्टेक हो सकता है, आप लाइन को नहीं मिलेगा, इसलिए स्टेकिंग नहीं किया, ट्रांसफर में पड़ा हुआ आया, जब यहाँ रेडी हो जाएगा तो अब यहाँ दोबारा स्टेकिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टीम स्टेकिंग से हमको खाली इनकम हुआ 52.6 हुआ, तो टोटल विद्रो हम कितना लिया, 51.8 एसपीसी विद्रो ले लिया। तो चलो टीम स्टेकिंग में हमको जो इनकम मिला, यहाँ जब क्लिक करेंगे आपको पूरा हिस्ट्री यहाँ दिखाई देगा, कौन सा टीम से कौन सा लेवल में आपको कितना कॉइन मिला, यहाँ जाके आप देख सकते हैं। देखो मेरा 20 में एक क्लिक करके आपको दिखाई देगा कौन सा कहाँ से कितना कॉइन हमको मिला, ठीक है। तो विड्रॉल में जाते हैं, विड्रॉल यहाँ जो विड्रॉल होता है, विड्रॉल हम करेंगे अभी, एक कॉइन विड्रॉल करेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो एक कॉइन है मेरा अभी विड्रॉल के लिए, तो एक कॉइन में हम क्लिक किया, क्लिक करने के बाद विड्रॉल में आप क्लिक करने से विड्रॉल हो जाता है। देखो विड्रॉल प्लेस सक्सेसफुल हो गया, तो ये विड्रॉल जो ले लिया ये विड्रॉल कहाँ चला गया, ये विड्रॉल तो मेरा बैंक अकाउंट में नहीं आएगा और कोई किसी को नहीं भेजा है, ये विड्रॉल जब करेंगे आपका वो मेन वॉलेट में चला जाएगा। तो मेन वॉलेट में जाके आप देख सकते हैं, जैसे वॉलेट में जाना पड़ेगा, जाने के बाद यहाँ देखो मेरा कितना था, 684 हो गया, तो एक कॉइन यहाँ ऐड हो गया। तो मेरा अभी तक तो 684 डॉलर हमारा अर्निंग आया है, तो ये हम विड्रॉल ले सकते हैं जब विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए विड्रॉल तो नहीं हो पा रहा किसी का भी, ठीक है। तो चलो आज का सेशन हम अभी यहाँ समाप्त करेंगे, जितना भी हमारा सीखना है और जो भी हम लोगों को ओनली फोर चाहिए वो हम एक एक करके आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों को ये टेक्निकल सेशन बहुत अच्छा लगा। चलो अभी हम इसको समाप्त कर दिया, तो जय संजय पवार।